अब खबर राजस्थान के अलवर में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देखकर हैरत भी है और दुख भी। महज आरोप के आधार पर झारखंड से आई पुलिस एक लड़की को गिरफ्तार कर ले गई, वो भी उसको कमर में रस्सी बांधकर। देखिए झारखंड पुलिस की ये करतूत। ये लड़की ना तो डाकू है, ना लुटेरी, ना हत्यारी, ना कोई और ही अपराध इस पर साबित हुआ है, सिर्फ आरोप है। लेकिन पुलिस वालों की बहादुरी और इंसानियत की मिसाल देखिए कि इसकी कमर में रस्सी बांधकर माल मवेशियों की तरह इसे हकाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शातिर इनामी बदमाश को पकड़ रखा हो जिसने लंबे समय से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। ये तस्वीरें राजस्थान के अलवर की है लेकिन पुलिस झारखंड के गढ़वा थाने से आई है। लड़की पर उसकी भाभी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। इस मामले की झूठी सच्ची पेचीदगियों के सैकड़ों किस्से आपने पहले सुने होंगे, इसलिए सच क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन आरोप के आधार पर पुलिस ने लड़की को रस्से से बांध रखा है। क्या सिर्फ आरोप पर लड़की को रस्सी से बांधा जा सकता है? क्या पुलिस को किसी लड़की को रस्सी से बांधने का अधिकार है? क्या पुलिस ने लड़की को रस्सी से बांधकर हैवानियत की हदें तोड़ दी है? क्या अलवर से झारखंड तक रस्सी से बांधकर ले जाना नाइंसाफी नहीं है? ऐसी तस्वीरें तो अब गांव देहात और कस्बों की कचहरी में भी नहीं दिखती, लेकिन झारखंड पुलिस बुद्धि विवेक और इंसानियत को झाड़कर इसे रस्सी से बांधकर ले जा रही है। लड़की को अलवर स्टेशन पर उतारने के बाद पूरे प्लेटफॉर्म के रास्ते से चलाकर ले जाते हुए भी किसी तरह रस्से से बांधकर रखा गया। ट्रेन में भी वो ऐसे ही चढ़ी और हद तो तब हो गई जब पुलिस ने उसे ट्रेन में सवार लोगों के बीच बिठाते हुए भी कमर में रस्सी बांधे रखी। हैरतअंगेज, अफसोसनाक और अविश्वसनीय है यह तस्वीरें जिसमें पुलिस ने एक पढ़ी लिखी मालूम पड़ रही लड़की को सिर्फ आरोपों के आधार पर रस्सी से बांध रखा है और राजस्थान से झारखंड तक इसे इसी तरह से रस्सी से बांधे ले जाया गया है। राजेंद्र शर्मा, अलवर, आज तक।